समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के सांसद आजम खान की फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किलों में एक बार फिर से आजम खान घिर गए हैं। बता दें कि आजम खान की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। R9 टीवी ने आपको पहले ही बताया था कि आज जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर सकता है और अब इस खबर पर मोहर भी लग गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश कर रहा है। दरअसल आज आलियागंज के उन 26 किसानों को इंसाफ मिलने की उम्मीद की जा रही है जिनकी जमीन पर आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर कब्जा कर रखा था, जिनको कब्जा मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन मौजूद है। तो पहले कार्रवाई की गई थी, अब एक बार फिर से जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि सुगबुगाहट ऐसी है कि प्रशासन एक बार फिर से जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो सकता है। तो फिलहाल वो खबर जिस पर मोहर यहां पर लग गई है, R9 टीवी की खबर जिस पर मोहर लगी है, और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर जिला प्रशासन मौजूद है। जमीनें हैं उनमें मेरे साथ यहां बंदे अली मौजूद हैं, इनकी लड़ाई हमने कई बार दिखाई भी है। आपकी जो जमीन थी आज मिलने का दिन है, ये नापतोल हो रही है, कैसा लग रहा है आपको इस टाइम? बढ़िया लग रहा था, सही है। आज लगता है कि बरसों के बाद आपकी मन्नत पूरी होगी? मन्नत पूरी हो गई। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे थे कि हम दर दर भटके, दर दर गए, पिटे भी, बंद भी हुए, थोड़ा सा बताएं क्या हुआ था? वहाँ पे सरकार में हमारी सुनवाई कोई बता नहीं, कोई तरह सुनवाई कोई न सुन कर सरकार में हमारी सुनवाई। अच्छा, उसमें किसी ने न सुनी, अब सुनवाई है हमारी, यानी कि अब आपकी जमीन मिल जाएगी? हाँ सर, ऐसे मान के चलो। तो आज बड़ी खुशी का दिन है, आज यहाँ आलियागंज के किसानों के अंदर हर्षोल्लास देखा जा सकता है कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि बड़े जमाने से हमने चक्कर काटे अधिकारियों के, सरकारों से गुहार लगाई लेकिन हमारी जमीन नहीं मिली। आज हमारी जमीन मिलने का दिन आ गया है और ऐसा लगता है कि आज हमें हमारी जमीन मिल जाएगी। यानी कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो जमीन थी, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर कब्जा करके ली हुई बताई जा रही थी गाँव वालों के हिसाब से, आज वो जमीन कब्जा मुक्त होगी। पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है और किसानों में भी खुशी की लहर है। R9 टीवी की खबर पर लगी मोहर, जौहर यूनिवर्सिटी से सटी हुई जो ये दीवार है आप देख सकते हैं, राजस्व विभाग के लोग यहाँ पे नाप तोल करने के लिए आ चुके हैं और उन्होंने नाप तोल शुरू कर दी है। आप मेरे पीछे देखिए, राजस्व विभाग के लोग नाप तोल कर रहे हैं और यहाँ पर जैसे ये कल्लन और बंदे अली और ये जो बराबर में आलियागंज गांव है, इसके 26 किसानों की जो जमीन है, उन जमीनों को नाप तोल के आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से कब्जा बुक कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हमारी खबर पर मोहर लग चुकी है, हमने सुबह ही कह दिया था कि आज बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है और नाप तोल चालू है। SDM भी मौजूद है, प्रशासन भी, पुलिस भी मौजूद है और यहाँ पर राजस्व कर्मी अपनी नाप तोल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जिस तरह से ये इनका नक्शा है, नक्शा जरा एक बार इधर कर देंगे सर, दिखा देंगे, जरीफ दिखाएं जरा, जरीफ ये क्या है, ये क्या है आपका? गुनिया है हमारी भाई। गुनिया से इस नंबर को ये देख रहे हैं और किस तरह से ये इन खेतों में से इन किसानों की जमीनों को निकालेंगे, जो अंदर है बाउंड्री के, बाहर कितनी है इसकी नापतोल चालू है। रामपुर से फहीम खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।